हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शालिनी महेश्वरी। सो टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो है अमेज़न। एक मैंने बहुत ही अच्छी चीज मंगवाई है जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। एक किचन अप्लायंस मंगवाया है, पता नहीं गॉड नोस कैसा होगा। सो मैं अनबॉक्स करूंगी आप लोगों के सामने और देखूंगी कि ये कैसा है और क्या चीज है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अनबॉक्सिंग करने के बाद मैंने एक मेयर की कढ़ाई मंगवाई है जो 30 सेंटीमीटर की है, सीएम की है कढ़ाई, वॉक भी आप इसे बोल सकते हो। मेयर सबसे अच्छा ब्रांड है मुझे लगता है इंडिया में। तो ये स्टील की कढ़ाई मैंने उनसे अमेजोन से मंगवाई है। फर्स्ट टाइम मैंने कुछ अमेजोन से मंगवाया है जो किचन से रिलेटेड है। सो ये मेरा पहला प्रोडक्ट है और मेरा दूसरी चीज मैंने मंगवाई है वो है कास्ट आयरन तवा। ये भी मेयर ही ब्रांड का तवा है। सो लेट्स इन दोनों बॉक्सेस की अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं ये करूंगी कास्ट आयरन तवा की अनबॉक्सिंग। सो सबसे पहले ये देखिए, ये इस तरीके का कुछ इसके साथ मिला है। मे बी इसे इस हैंडल में लगाने के यूज में है। सबसे पहली चीज मुझे यहाँ से निकल मेरे हाथ में आई है। उसके बाद ये है मेन तवा, बहुत ज्यादा हैवी तवा है, बहुत ही ज्यादा हैवी तवा है, कास्ट आयरन का बहुत ज्यादा हैवी तवा है। और इसके साथ मुझे ये कुछ रजिस्ट्रेशन वारंटी कार्ड मिला है एक, और ये जनरल सेफ्टी यूज एंड केयर इंफॉर्मेशन है जो मुझे इसके साथ मिली है कि हम इसे कैसे यूज कर सकते। इंपॉर्टेंट सेफ्टी यूज एंड केयर इंफॉर्मेशन इसके साथ मिली है। और इस तवे के साथ मुझे मिला है ये एक थाली जो शायद ये इस तरीके से आप लगा सकते हैं इसमें, इसको इसके अंदर डाल के, लेकिन मुझे लग रहा है ये कुछ ऐसा लगेगा। इसमें ऐसे करके हम इसे पकड़ सकते हैं। काफी हैवी तवा है ये है 26 सेंटीमीटर का। आई थिंक ये जो सबसे छोटा तवा है मैंने उसको मंगवाया है मेयर ब्रांड का। मेयर ब्रांड आपको पता है कि बहुत अच्छा ब्रांड है, मतलब इंडिया में मुझे लगता है सबसे अच्छा ब्रांड मेयर ही ब्रांड है। तो ये काफी हैवी तवा है और थोड़े से इसमें मुझे अभी स्टेन वगैरह लग रहे हैं। सो ये मुझे जो भी इसका प्राइस है, आई थिंक मैंने इसे मंगवाया है 2460 में। जो भी प्राइस होगा मैं आपको यहाँ साइड में इसके लिख के दे दूंगी और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो इसका प्राइस है वो मे बी 2000 या 2400 समथिंग है, 2460 रुपीज है। और काफ़ी हैवी तवा है। मैं इसको यूज़ करने के बाद एक बार इसका रिव्यू भी देने की कोशिश करूंगी। अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए आफ्टर यूज़ तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ मेयर 30 सेंटीमीटर कढ़ाई, जिसे वॉक भी हम लोग बोल सकते हैं। तो मैंने मेयर ही ब्रांड का तवा और कढ़ाई मंगवाई, आपको पता चल गया है। सो अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ और देखते हैं ये कैसी है। अनबॉक्सिंग करने के बाद जो सबसे पहले चीज मुझे दिखी है वो है ये लिड, शायद कढ़ाई की लिड है, शायद कढ़ाई की लिड है। ओ माय गॉड,
ओ माय गॉड, मतलब आई लाइक इट। ग्लास लिड है ये, ग्लास लिड है, काफी अच्छी क्वालिटी की है और इसमें ये सिलिकॉन लगा हुआ है, इफ आई एम राइट। तो ये एक सिलिकॉन है जो इसमें लगा हुआ है और ये ग्लास की लिड है, ये ग्लास की लिड है, पूरी तरीके से अच्छी लग रही है, ट्रांसपेरेंट। उसके बाद है ये मेन कढ़ाई जो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, कढ़ाई जो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, आपको दिख रहा होगा, माय गॉड। और इसके भी साइड में ये सिलिकॉन के ये सिलिकॉन के हैंडल दिए गए हैं, दोनों साइड में दिए गए हैं ये सिलिकॉन के हैंडल, जिससे आप इसे पकड़ सकते हैं अच्छे से, गैस के ऊपर रख सकते हो, गर्म भी नहीं लगेगा। बैक साइड से कढ़ाई ऐसी है जिसमें मेयर लिखा हुआ है, और मुझे जिस तरीके की कढ़ाई चाहिए थी, बड़ी कढ़ाई चाहिए थी, इसी तरीके की मुझे कढ़ाई चाहिए थी जिसमें मतलब आपका खाना पूरी तरीके से दिखे भी और अच्छा भी लगे। और ये स्टील की कढ़ाई है गाइस, मतलब ये स्टील की कढ़ाई है और इसके अंदर एल्यूमिनियम है और ऊपर की जो लेयर है वो स्टील की है, और मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, ठीक है, अच्छी खासी कढ़ाई है। और मुझे लगता है ये मैन मतलब जो सबसे बड़ी कढ़ाई थी मैंने उसी को मंगाया, शायद ही इससे बड़ी कढ़ाई शायद ही हो अमेजोन में, आई डोंट नो। ये 30 सेंटीमीटर है, इससे छोटी वाली 28 सेंटीमीटर थी और उससे छोटी, उससे जो छोटी वाली कढ़ाई थी वो 26 सेंटीमीटर थी। तो प्राइजेस भी इस हिसाब से वेरी हो रहे थे। इसका प्राइस जो है वो 3500 का है आई थिंक, जो बिट एक्सपेंसिव आप कह सकते हो इसे, बिट एक्सपेंसिव। जो भी इसका लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लेकिन एक्सपेंसिव है, लेकिन इसकी क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैं आपको इसकी लिड लगा के दिखाती हूँ एक बारी। ये लिड के साथ आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है। लिड भी इसकी काफी हैवी है, और भी कढ़ाई जो शॉल ब्रांड की है वो, अगर मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ तो शायद मैंने उसकी कढ़ाई वगैरह भी बहुत, एक और कुकर भी मैंने उसका बाय किया था, स्टील की वजह से बाय किया था, क्योंकि स्टील में खाना जो है वो सेम ही रहता है, उसमें कोई केमिकल नहीं आता है, स्टील कोई केमिकल रिलीज नहीं करता है किसी भी चीज से। लेकिन और कढ़ाई में जिसमें, या और नॉनस्टिक की कढ़ाइयों में, या और तरीके की जो ऐसी जो बेसिक कढ़ाइयाँ होती हैं जो आपको मार्केट में 200-300 रुपए की मिल जाती है गाइस, प्लीज़ उसे मत लीजिए, क्योंकि उससे कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो आपके फूड में आते हैं, जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है उसमें खाना बनाना। सो इसीलिए मैंने प्रिफर की थी इस कढ़ाई को मंगवाना। और मेयर ब्रांड गाइस, मेयर ब्रांड इंडिया का सबसे अच्छा ब्रांड है, तो मैं अगर सजेस्ट करूंगी तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको कुछ भी लेना है उसके बर्तनों में तो आप ये ले सकते हैं, बहुत ही सेफ है और काफी टाइम तक चलने वाली चीज है ये चीज। ऐसा नहीं है कि ये आप कुछ टाइम तक चलने के बाद ये खराब हो जाएगी। और इसका आफ्टर यूज रिव्यू मैं आपको दे सकती हूँ, अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा कि आपको इसको आफ्टर यूज रिव्यू चाहिए कि नहीं चाहिए। सो या टुडेज वीडियो, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक लाइक तो दीजिएगा। थैंक यू सो मच।